अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान का यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने सिलेबस का जो पार्ट वन था वो कल डिस्कस कर लिया था, उसके अंदर मैंने पहले चार यूनिट्स को कम्प्लीटली जो था वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपने पंजाब बुक से करने और कौन से टॉपिक जो है फेडरल की बुक से एडिशनल आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि हमारे पास पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक सॉलिड्स हैं। बच्चे, इसके अंदर आपने हमारी बुक पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसमें से जो टॉपिक करने हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पंजाब की बुक में नहीं है आपको वो फेडरल की बुक से करने पड़ेंगे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले आपने सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन करना है, टाइप्स ऑफ सॉलिड दोनों की दोनों टाइप्स करनी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी करना है, मॉर्फे सॉलिड्स भी करने हैं, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये सारे के सारे हमारे पास सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं, तो ये आपने सारे के सारे करनी है। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस है आप लोगों ने करना है, यूनिट सेल भी आप लोगों ने करना है, क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन ये भी सारे के सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर आते हैं तो आपने पर्टिकुलरली दो ही सॉलिड्स की तरफ ध्यान देना है, नंबर 1 इज द आयनिक सॉलिड्स एंड नंबर 2 इज द मोलेकुलर सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड आप लोग करेंगे, उसके बाद जो लैटिस एनर्जी का टॉपिक है ये भी आप लोगों ने करना है, ये कोवलेंट सॉलिड आप लोग नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज भी नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड भी नहीं करेंगे। मोलेकुलर सॉलिड सिलेबस में इंक्लूड है तो ये आप लोग कर रहे होंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द मोलेकुलर सॉलिड सिलेबस में इंक्लूड है तो ये आप लोग कर रहे होंगे, उसके साथ साथ आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एडिंग ये करना है। उसके बाद कुछ भी ये जो नीचे हमारे पास नेक्स्ट है इसमें से आप लोगों ने कुछ भी जो है वो नहीं करना। अब हम लोग फेडरल की बुक से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपने इसमें से करने हैं। जी बच्चों, ये हमारे पास है सॉलिड फ्रॉम द फेडरल बुक। यहाँ पे आप लोगों ने जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जो हमारी बुक के अंदर है ही नहीं सीधे से, हम लोग उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से आप लोगों ने करने हैं। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इनका थिंकिंग टैंक जो है वो सेम ही है, मतलब सेम कंसेप्ट है, लेकिन चंद टॉपिक ऐसे हैं जो सीधे से है ही नहीं, हमें उन्हें करने की ज़रूरत है यहाँ से। लाइक यहाँ पर देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें वर्डिंग बस चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। एनएससीएल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने सारे का सारा जो है वहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे देखें, कहता है कि नेम द थ्री फैक्टर दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो बच्चे ये टॉपिक आप लोगों के पास मौजूद है यहाँ पे यूनिट सॉलिड्स के अंदर, तो आप लोगों ने ये जो है वो लाजमी तौर पर यहाँ से करना है। मैं अगर पेज यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ तो पेज नंबर 155 है, उसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है कि नेम द थ्री फैक्टर दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। तो आप लोग ये यहाँ से लाजमी तौर पर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनिक एंड मोलेकुलर सॉलिड। तो बच्चे आपने यहाँ पे जो कंपैरिजन लिखे हुए हैं ना, एक कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट क्रिस्टल है, तो आपने इसमें से आयनिक सॉलिड की ये सारी की सारी आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ी है, लेकिन फिर भी आपने इनको एक दफ़ा गो थ्रू करना है। और इसी तरह से आगे कंपेरिजन गिवन होगा हमारे पास मोलेकुलर क्रिस्टल एंड मेटेलिक सॉलिड का, तो आपने यहाँ से मोलेकुलर क्रिस्टल जो है वो बस रीड आउट कर लेनी है। इसके अलावा इस यूनिट में से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की जो आउटलाइन है इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे देख लें। हमने डिस्क्राइब क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमने इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी कर ली है पंजाब बुक से, उसके बाद नेम थ्री फैक्टर दैट इफेक्ट द शेप हमने फेडरल की बुक से पढ़ लेना है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनिक एंड मोलेकुलर सॉलिड तो हम लोगों ने ये वहाँ से भी कर लेना है, पंजाब बुक से भी जो आयनिक और मोलेकुलर सॉलिड की डिटेल है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंपेरिजन सिर्फ टेबल के अंदर लिखा है वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस हम लोगों ने पंजाब बुक से पढ़ लिया, उसके बाद उसके क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल हर एक चीज़ पढ़ ली, उसके बाद डिफाइन लैटिस एनर्जी तो ये भी हम लोगों ने पंजाब बुक में ही टॉपिक मौजूद है, तो आप लोगों ने वहाँ से कर लेना है, तो ये आप लोगों का सॉलिड के रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो कि अब आप लोगों की ये क्वेरी क्लियर हो चुकी होगी कि सॉलिड में से क्या करना है और क्या नहीं करना। सो नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के आउटलाइन देखें तो कहता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये हमारी बुक के अंदर पंजाब बुक में ये पेज आप लोगों ने करना है। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमारी बुक के अंदर गिवन है, ऐसे चीज आप लोगों ने करना है। उसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन भी पता होना चाहिए, तो ये आप लोग करेंगे लाजमी तौर पे। और उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसी के अंदर ये वाली सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद है कि एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये सारे के सारे कैसे एक्सप्रेशन ही है 8.1.3, मतलब ये सारे का सारा सिलेबस में इंक्लूड है, आप लोगों ने इस लाजमी तौर पर करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये वाली आप लोगों ने चीज़ें जो है वो करनी है, एंड द इफेक्ट ऑफ कंडीशन। तो यहाँ तक हमारे पास जो है इस हेडिंग के नीचे आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास लीच एटेलियर प्रिंसिपल भी हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग यहाँ पे लीच एटेलियर प्रिंसिपल सारे का सारा ही करेंगे। पेज नंबर यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, इससे ऊपर ऊपर आप लोगों का जो लीच एटेलियर प्रिंसिपल है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अमोनियम बाय हैबर प्रोसेस भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे करेंगे।
उसके बाद बच्चे प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सिलेबस में नहीं है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे सिलेबस में नहीं है, पीएच एंड पीओएच सिलेबस में नहीं है करने की जरूरत, कतन भी नहीं है, आयनाइजेशन कॉन्सेंट ऑफ एसिड ये कुछ भी नहीं है। आपने सीधे मूव करना है किस तरफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। आप लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बाद बफर सॉल्यूशन, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हाउ डू द बफर एक्ट, ये सारे का सारा बफर के रिलेटेड जो है वो आप लोग कर रहे होंगे, बफर कैपेसिटी भी आप लोगों ने करने हैं, और उसके बाद हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट आ जाता है, तो ये भी हमारे सिलेबस में गिवन है। तो आप लोगों ने सोलबिलिटी प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं, ये आप लोगों ने टॉपिक जो है वो करनी है। फेडरल की बुक से कोई भी चीज़ इस यूनिट में से करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं मोर देन इनफ हैं ये यूनिट प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों ने शुरू से लेकर जहाँ तक हैपर्स प्रोसेस लिखा हुआ है ये सारे का सारा पढ़ना है, उसके बाद जहाँ से प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर कॉमन आयन इफेक्ट तक आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ें जो है वो छोड़नी है, और उसके बाद जहाँ से कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट होता है उससे लास्ट तक जो है वो आप लोगों ने इनसॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रिपेयर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, अगेन रिपीटिंग फेडरल की बुक से, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके अंदर देखें बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो आपने ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके अंदर सिर्फ एक डेफिनेशन है और एग्जांपल लिखेंगे फास्ट स्टेप कौन से स्लो स्टेप, तो आप लोग इंट्रोडक्शन भी इसके अंदर देखेंगे लाजमी तौर पे। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन सिलेबस में गिवन है, तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है, और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही हमारे पास इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स के अंदर ही आती हैं, तो ये भी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास जो है वो एक रेट कॉन्स्टेंट की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, तो आप लोगों ने ये भी लाजमी करना है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमारे सिलेबस में भी है, तो ये आप लोगों ने करने लगे, यहाँ पे देखें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की उसने बकायदा हेडिंग दी है, तो ये आप लोग कर रहे होंगे। उसके बाद यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो के यूनिट्स क्या होते हैं, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो आप लोग करेंगे। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ पीरियड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग ये हाफ लाइफ पीरियड जो है हम लोग नहीं कर रहे होंगे, इसे कतन करने की जरूरत नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे सिलेबस में भी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को एक्सप्लेन करें, तो आप लोग जो है वो ये चीज़ कर रहे होंगे। उसके बाद है डिटर्मिनेशन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे सिलेबस में है, इसी के अंदर से आप लोगों से वो टेबल वाली इंफॉर्मेशन भी पूछी जा रही होती है, तो आप लोगों को ये डिटरमिनेशन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो आना चाहिए कि आप लोग किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको वो चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू देगा और टाइम देगा, तो आप लोग उसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या जाता है, डिटरमिनेशन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये आप लोगों ने करना है। और फिजिकल मेथड्स भी इसी के अंदर इंक्लूड हैं बच्चे, मतलब कैलकुलेशन के अंदर ही, तो आप लोग स्पेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायलेटोमेट्रिक मेथड, रिफ्रैक्टोमेट्रिक और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ये सारी के सारी टर्म्स आप लोग करेंगे। उसके बाद केमिकल मेथड के अंदर एस एच एस कुछ भी नहीं है, बेशक आप लोग इसको स्किप कर दें, सिर्फ ये याद रखिएगा ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है, ये जो हमारे पास बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप लोग कर रहे होंगे, ये सारा का सारा सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिनेशन, तो ये भी हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड भी आप लोगों ने करना है, और साथ ही साथ मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस भी करना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारे सिलेबस में गिवन है, तो हम लोग ये सारे के सारे कर रहे होंगे फैक्टर्स। उसके बाद अरहेनियस इक्वेशन भी जो है वो हमारे पास सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, तो ये सारे का सारा आप लोगों ने करना है। तो उसके बाद कैटालिसिस जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस दफ़ा, तो आप लोगों को कैटालिसिस जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक आप लोग पीछे जो है वो सारे का सारा यूनिट जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। फेडरल की बुक से क्या पढ़ना है अभी देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सिलेबस में है, हम लोग पंजाब से ही करेंगे। डिटर्मिनेशन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम लोगों के बुक के अंदर एस एच एस हेडिंग है, वही करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बुक के अंदर एस एच एस हेडिंग है। स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट भी, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट भी, और एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी, तो सारे के सारे पंजाब के बुक में ही है, फेडरल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन आपने इंट्रोडक्शन में से देख लेनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी बुक में लिखी हुई है, रेट इक्वेशन भी लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखा हुआ है, रेट कॉन्स्टेंट भी लिखा हुआ है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सारे के सारे टर्म जो है वो इस बुक के अंदर मौजूद है, तो आपको फेडरल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वालिटेटिवली फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके अंदर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला टॉपिक आप लोगों ने करना है। गिव द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट और रेट ला आप लोगों ने लिखना होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग रेट इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाले टॉपिक में से आप लोगों ने करना है।
उसके बाद आइडिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो अगेन ही आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में से ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन द रिएक्शन रेट, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के अंदर ये टॉपिक गिवन है। उसके बाद डिस्क्राइब द रेट रोल ऑफ अ रेट कॉन्स्टेंट, द थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट, कि हमें रेट कॉन्स्टेंट से कैसे पता लगता है कि हमारे पास किस किस्म का रेट ऑफ रिएक्शन जो है या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास कौन सा है। तो के आप लोग सिंपली यूनिट्स देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कौन सा होता है। तो के यूनिट्स देखें, लाइक अगर पर सेकंड है तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह से आप लोग यूनिट्स को देख के बता सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग जितना भी था मैंने आपको बता दिया है फेडरल की बुक से, इस यूनिट को पढ़ने की कतई भी जरूरत नहीं। सो नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट थर्मोकेमिस्ट्री। पीएमसी ने इसको बोला हुआ थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करना है, लाइक यहाँ पे उसने लिखा डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग इसे कर रहे होंगे। उसके बाद एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर ही हैं, तो ये भी हमारे पास हो जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही, जो है हम लोग इस चीज़ को जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे कहीं पर भी उसने जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का जिक्र नहीं किया हुआ, तो अगर आप लोग तो पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ते तो भी वेल एंड गुड। बेसिकली मैं इस वजह से रिकमेंड करूंगा कि इसे पढ़ लें, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लास्ट पे एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट गिवन है। तो अगर आप लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर होगी। तो आई रिकमेंड कि आप लोग स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी जो है वो यहाँ से पढ़ लें। उसके बाद ये टर्म्स हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, ये हमारे सिलेबस में है, तो आप लोग इसे करेंगे लाजमी तौर पर। उसके बाद इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, एंथैल्पी, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, ये सारे के सारे सिलेबस में इंक्लूड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी सिलेबस में इंक्लूड है, एंथैल्पी भी हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये सारा का सारा ही आप लोगों ने करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एंथैल्पी इन केमिकल रिएक्शन या फिर एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये आप लोगों ने सारी के सारी करनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तमाम की तमाम जो है वो आप लोगों ने करनी है। तो ये हमारे पास एंथैल्पीज भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि क्या हमारे पास गैस क्लोरीमीटर, तो बच्चे ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि हम लोग इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास आ जाता है तो आप लोग इसको जो है वो कर रहे होंगे। दोनों के दोनों बम क्लोरीमीटर भी करना है, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन भी आप लोगों ने यहाँ से करना है, और साथ ही साथ बोन हैपर साइकिल भी करना है। मीन टू से आप लोगों ने ईट एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिट आप लोग कर रहे होंगे, इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो आप लोग स्किप नहीं करे होंगे। इसमें से देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस के अंडर कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन में आप लोगों के पास ये एस एच एस हेडिंग मौजूद है। डिस्क्राइब द टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली वो कौन सी हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट फंक्शन, हीट, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, जो हीट कैपेसिटी है ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी, ये ग्लास क्लोरीमीटर, बम क्लोरीमीटर में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि वो आपके सिलेबस में है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने करनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, ये आप लोगों के पास एंथैल्पी ऑफ जो डिफरेंट एंथैल्पीज हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, वो आप लोगों ने करनी है। एनर्जी ना केमिकल रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बुक में गिवन है। साइन ऑफ टेलेट, ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हमारी बुक के अंदर ऐसे हेडिंग मौजूद है जिसके अंदर एंथैल्पीज डिफरेंट एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, तो आप लोगों ने ये करनी है। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट फंक्शन, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, एंथैल्पी, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी, नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी आ जाता है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास आ जाता है हेसिस लॉ आ जाता है, और इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे गिवन है कि नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी, तो किलो जूल पर मोल ही थर्मल एनर्जी के जो है वो यहाँ पे आप लोग बेसिकली एंथैल्पी का यूनिट ही आप लोग इसके अंदर करेंगे। तो एस एच एस फेडरल की बुक के अंदर भी ऐसी कोई टर्म मौजूद नहीं है, लाइक थर्मल एनर्जी के आप यूनिट्स हैं वो यही करेंगे, किलो जूल पर मोल तो है। तो ये आप लोगों का ये जो यूनिट है थर्मोकेमिस्ट्री का, ये आप लोगों का कम्प्लीट हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट 10 ऑफ पंजाब बुक एंड टॉपिक नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर बच्चों आप लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन करेंगे। ये सारी की सारी हीट यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट को ही किया जाता है मोस्टली एमसीक्यूज के तौर पे, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बैलेंसिंग द रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी आप लोगों ने करना है, और इसी तरह से बैलेंसिंग द रिडॉक्स इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, तो आप लोग इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाता है,
तो ये सारे का सारा जो है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, फ्यूज आर्ट के अंदर क्या होती है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, तो ये सारी की सारी करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस, बट ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इसी के अंदर ही आप लोगों के पास सारे का सारा जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो आप लोगों के पास आ रहा होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वर्टिकल गैल्वेनिक सेल्स के बस में नहीं है, मतलब करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम लोग इसे करें? तो बच्चे जो टॉपिक है ना पूरे का पूरा एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। लाइक अगर आपके पास स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड की टर्म है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये सारे के सारे हमारे पास वर्टिकल गैल्वेनिक सेल के रिलेट ही करती हैं टर्म्स। तो आई वी रिकमेंड, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्रिकॉशन के तौर पर करें, बल्कि मैं सीधा रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये लाजमी तौर पर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्टिकल गैल्वेनिक सेल को, सारे का सारा फंक्शन ऑफ स्टार पिच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हार्डनिंग इलेक्ट्रोड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चे जहाँ तक इसकी एप्लीकेशंस खत्म होती है ना, तो यहाँ तक आप लोग ने जो है वो सारे का सारा ही करना है बिफोर मॉडर्न बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। अगेन रिपीटिंग के ऑल दो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बच्चे यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड हार्डनिंग इलेक्ट्रोड गिवन है, तो इन्हीं को बुनियाद बना के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी एक तरतीब दी हुई है, जिसके अंदर हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लेते हैं। तो आप लोग ने ये सारी की सारी लास्ट में देखनी, क्योंकि अगर बस स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू दे देगा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में से, तो आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड सिलेबस में दिया हुआ है। तो बस इस चीज़ को जो है वो आप लोग ने यहाँ तक करना है, और फेडरल की बुक से कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट भी हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी सिलेबस में मौजूद है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मौजूद है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ये भी सिलेबस में मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर रिडॉक्स रिएक्शन, के ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, वो सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लिया है। उसके बाद कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज होती है, तो रिडक्शन होगी हमारे पास। उसके बाद कैथोड एनोड, ये सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर आ चुकी हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने पंजाबों से ही करनी है, फेडरल की बुक पढ़ने की यहाँ पर भी कतई ज़रूरत नहीं है। तो मॉडर्न बैटरी से ऊपर ऊपर आप लोगों ने ये सारे का सारा ही करना है। सो नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, बट इसके अंदर आप लोग ने सारा ही यूनिट करना है एक्सेप्ट द एमओटी। देखते हैं कि किस किस तरह से ये रिलेट करता है यूनिट हमारे पास। इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एनर्जेटिक्स का बॉन्ड फॉर्मेशन गिवन है सिलेबस में, एटॉमिक साइज हमारे पास सिलेबस में गिवन है तो करेंगे, एटॉमिक रेडियाई सिलेबस में गिवन है करेंगे, आयनिक रेडियाई आ जाता है, कूलेंट रेडियाई जाता है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी भी सिलेबस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आप लोगों के सिलेबस में गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिलेबस में गिवन है। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ सिलेबस के लास्ट, मतलब इस यूनिट के लास्ट पे हैं, वो तो लास्ट पे देखते हैं, उससे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड सिलेबस में मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड सिलेबस में मौजूद है, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं, आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास तीन एग्जांपल बुक में गिवन है, वो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिगमेंट पाई बॉन्ड, तो ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो आप लोगों ने सारी की सारी करनी है, हाइब्रिडाइजेशन सारे का सारा करना है, वेस्पर थ्योरी, उसके पासलेट, उसके एप्लीकेशन, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। और उसके बाद एमओटी को आप लोग स्किप करेंगे, और एमओटी को स्किप करने के बाद टॉपिक आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड डाइपोल मोमेंट, तो ये भी हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट का हमें कैसे पता लगता है कि वो सिलेबस में इंक्लूड है, तो बच्चे सबसे पहले तो वेस्पर थ्योरी आ गई, फिर सिगमेंट पाई बॉन्ड आ जाता है, फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर, इसके अंदर आप लोग जो है वो वेस्पर थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी फ्रॉम द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जब तक आप लोगों को डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप लोग नहीं बता सकते, तो इसको लेके आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट करना है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट होता है, तो डाइपोल मोमेंट के बाद लास्ट टॉपिक है, तो उसके अंदर आप लोगों ने यही वाला करना है कि इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, तो ये वाला आ जाएगा, इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, सारी की सारी टर्म्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, सिर्फ एमओटी को जो है वो आप लोगों ने यहाँ से स्किप करना है, उसके अलावा हर एक चीज़ जो है वो करने की जरूरत है। यहाँ पे एक टर्म थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लाइक यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आयनिक रिएक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, हम लोग सिलेबस में देखते हैं कि क्या ये सिलेबस में हमारे पास मौजूद है, फेडरल की बुक में अगर है तो ठीक है, वहां से हम लोग देखेंगे, अदरवाइज आप लोगों ने हमारी बुक के अंदर जो तीन एग्जांपल है वही कर लेंगे, तो इट विल बी मोर देन इनफ। सो नाउ लेट्स मूव टू द फेडरल बुक, उसके अंदर इसके बारे में क्या लिखा, तो बच्चे फेडरल की बुक के अंदर भी आनी करेक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी को ही रिलेट करके बताया हुआ है, और ये हमारे सिलेबस में भी जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है, बॉन्ड लाइन लिखी है, वहाँ पे आनी करेक्टर का जिक्र है, तो आप लोग ने वहीं से कर लेना है। तो मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को जो है फेडरल की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे देखा है पूरे यूनिट को। तो अगर आप लोग ने फेडरल बुक से इसे पढ़ना भी है एक दफ़ा, तो आप लोग पेज नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारे पास चला जाता है यहाँ तक जो टेबल बना है पेज नंबर 67 तक, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आप लोगों का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।
ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने करनी है वो क्लियर हो चुकी हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल तक या फिर आज रात तक जो है वो सेकंड ईयर के बारे में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या स्किप करनी है, वो हम लोग इंशाल्लाह लास्ट में तौर पर डिस्कस करें होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर अमान, अल्लाह हाफिज़।